Hello, Bacho. let's read out the question. Two identical beakers with negligible thermal expansion are filled with water to the same level at 4 degrees Celsius. If one says A is heated while the other says B is cooled, then we have to choose the correct option out of this given form. So let's see the solution. But before of that,

So, वो क्या करता है एक्सपांड होता है ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है सेकंड की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज द दिनोल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मींस बिलो फोर डिग्री सेल्सियस

ये वाटर से फिल कर दिया है और स्टार्टिंग में ये जो वाटर है दोनों ही बीकर में उनका टेम्परेचर क्या है फोर डिग्री सेल्सियस बी का भी क्या है फोर डिग्री सेल्सियस अब बोल रहा है ए को हम हीट कर रहे हैं और बी को कूल cool कर रहे हैं सो लेट से इसको हम क्या कर रहे हैं हीट और इसको हम कूल cool कर रहे हैं मीन्स वी आर टेकिंग दिस बीकर आइस बाथ ठीक है इसको हम क्या कर रहे हैं कूल uh, cool कर रहे हैं और इस बी ए को हम हीट कर रहे हैं सो so, हमें बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट इनटू द लेवल ऑफ वाटर फॉर बोथ बीक सो जनरली यदि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊं सो यहाँ पर देखिए सब्सटेंस एक्सपांस व्हेन इट इज हीटेड और जनरली यहाँ पर सब्सटेंस क्या है हमारे पास बीकर ए में वाटर है और वाटर को हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं सो ऑब्वियसली व्हेन द वाटर विल बी हीटेड इट्स डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज वाटर को हम हीट करेंगे वो क्या करता है एक्सपांड करता है डेट मीन्स उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है डिक्रीज होती है अब यदि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है

इफ यू टॉक अबाउट दिस सेकंड बीकर दैट इज बी सो बी को हम क्या कर रहे हैं कूल कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस और उसको हम कूल कर रहे हैं ओके इफ द वॉटर विल बी कूल्ड बिलो फोर डिग्री सेल्सियस सो इन दैट केस डेंसिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस और यदि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है सो so वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा दिस इंप्लाइज दैट द वाटर लेवल इन बी मस्ट राइज यानी कि बी बीकर में भी जो वाटर की लेवल है वो क्या करेंगी राइज करेंगी सो अकॉर्डिंग टू दिस Option B bhi kya ho Janga correct ho Janga that is water level in B must rise. So according to this, option A and option B will become correct answer for this question. And this we have found by using the concept of substance exponents when it is heated and anomalous properties of water. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck, thank you.